क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 नवंबर से क्रिकेट सीरीज शुरू हो रही है और पहले T20 मैच खेले जाएंगे। 3 नवंबर को दिल्ली के कोटला में पहला T20 मैच होगा, लेकिन इस मैच से पहले ही बांग्लादेशी खिलाड़ियों का महाड्रामा शुरू हो गया है। ठीक वैसा ही ड्रामा जैसा 2017 में दिनेश चांदीमल की कप्तानी वाली श्रीलंकाई टीम ने किया था, लेकिन तब तो विराट कोहली कप्तान थे जो खासे नाराज भी हुए थे और अब की बार रोहित कप्तान है, तो रोहित ने अपने ही अंदाज में बांग्लादेशी खिलाड़ियों का मजाक उड़ा दिया। तो क्या है बांग्लादेशियों का ड्रामा और फिर रोहित ने क्या किया, आपको बताते हैं, आप भी इसे लेकर कमेंट जरूर करें। तो दिल्ली में खेले जाने वाले T20 मैच से पहले दोनों ही टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं। अब दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण की थोड़ी सी समस्या हो गई है, जिसके बाद एक बार फिर बवाल हो गया। बांग्लादेशी खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे और उनमें से एक लिटन दास मास्क पहनकर मैदान में पहुंच गए और मास्क पहनकर ही प्रैक्टिस करने लगे, जिससे एक बार फिर मैच में प्रदूषण को लेकर सवाल उठने लगे। अब टीम इंडिया भी दिल्ली पहुंची और कप्तान रोहित शर्मा से इस बारे में सवाल पूछा गया, तो रोहित शर्मा ने साफ साफ कहा कि उन्हें खराब हवा नहीं दिख रही है। रोहित ने कहा कि ऐसी हवा में मैच खेला जा सकता है। रोहित से जब बांग्लादेशी खिलाड़ियों के मास्क पहनने पर सवाल पूछा गया तो रोहित ने अपने ही अंदाज में कहा, आपने 2017 में श्रीलंका टीम को भी देखा होगा जो मास्क पहन रही थी, मैदान में उल्टियां भी कर रही थी और उसी मैदान में और उसी कंडीशन में हमने भी मैच खेला, हमने भी फील्डिंग की। यानी रोहित ने साफ साफ कह दिया कि हमें हवा से कोई दिक्कत नहीं है और हारने से पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी हवा का बहाना बनाना शुरू कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है और ज्यादातर बांग्लादेशी खिलाड़ी उसी प्रदूषण वाले ढाका में रहते हैं और अब दिल्ली आकर इन्हें हवा खराब दिख रही है, जो पूरी तरह नाटक ही लगता है। तो अब आपका इस पर क्या कहना है, आप भी इस गंदी हरकत और रोहित को लेकर कमेंट जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।